हे गाइस, कैसे आप सब। मैं हूं शुभम। और दोस्तों, रिसेंटली मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक बर्ड की फोटो अपलोड की थी, जिसमें मुझे बहुत से कमेंट्स आए। दोस्तों, आप इस फोटो के सेटिंग्स के ऊपर वीडियो बनाओ। तो गाइस, मैं आज की वीडियो में आपको मैंने वो फोटो किस सेटिंग्स में क्लिक की है ये बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी करके बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। अब दोस्तों, कैमरा कर लेते हैं ऑन, और यहाँ पर मैं DSLR को मैनुअल मोड में सेट कर रहा हूँ। मैंने गाइस वो फोटो मैनुअल मोड में क्लिक की थी, तो मैंने यहाँ पे मैनुअल मोड में DSLR सेट कर लिया है। अब मैं आपको उसकी सेटिंग्स बताने वाला हूँ। जैसे आपने कम्युनिटी पोस्ट में देखी है दोस्तों, मैंने बर्ड की फोटो क्लिक की थी, वैसे ही मैंने यहाँ पर एज एग्जाम्पल क्यूब और पॉट रखा है। दोस्तों, मैं क्यूब और पॉट की फोटो क्लिक करके आपको बताने वाला हूँ कैसे हम सब्जेक्ट के पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। अब जब आप अपना DSLR मैनुअल मोड में सेट कर लोगे, तो आपको कुछ डिस्प्ले पे इस तरीके का मेन्यू दिखाई देगा। और गाइस, जैसे आप क्यू बटन प्रेस करोगे, आप मेनू में एंटर हो जाओगे। दोस्तों, मेनू में एंटर होने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर शटर स्पीड दिखाई देगी, उसके बाद एपर्चर और फिर ISO दिखाई देगा। शटर स्पीड, एपर्चर और ISO, इन तीनों ऑप्शन पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है आपकी मैनुअल फोटोग्राफी। याद रहे, हमें यहाँ पर व्यू फाइंडर में फोटो क्लिक नहीं करनी है, हमें यहाँ पर डिस्प्ले में फोटो क्लिक करनी है। उसके लिए दोस्तों, हमें यहाँ पर लाइव व्यू शूटिंग बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम लाइव व्यू बटन शूटिंग पर क्लिक करेंगे, हमारी फोटोग्राफी डिस्प्ले में शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों, हमें यहाँ पर फर्स्ट क्यू प्रेस करना है। क्यू प्रेस करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हमें वाइड बैलेंस ऑटो पे ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों, स्टैंडर्ड में जाकर हमें यहाँ पर शार्पनेस पूरी तरह से बढ़ा देना है। आप देखोगे यहाँ पे शार्पनेस मैंने पूरी तरह से बढ़ा ली है, और इसे हमें बाकी एज इट इज सेम रखना है और इसे सेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें ISO 100 सेट कर लेना है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर अब सबसे इम्पोर्टेंट एपर्चर सबसे ज्यादा लो रखना है। गाइज, हम यहाँ पर जब एपर्चर सबसे ज्यादा लो रखेंगे, तो हमें बैकग्राउंड ब्लर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। एक बार फिर से बोल देता हूँ दोस्तों, हम अगर एपर्चर सबसे लो रखेंगे, यानी 5.6 या फिर उससे भी कम, तो हमें बैकग्राउंड ब्लर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और अगर हम ज्यादा बढ़ा देते हैं एपर्चर, फुल कर देते हैं, तो हमें बैकग्राउंड ब्लर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस, हमें अगर यहाँ पर एपर्चर कम करना है, तो हमें फर्स्ट यहाँ पर इस वाले बटन को प्रेस करना है, और ऊपर दिए गए मेन डायल बटन को, इसे हम मेन डायल बटन कहते हैं दोस्तों। तो गाइस, AV बटन प्लस मेन डायल बटन स्क्रॉल करके हम एपर्चर बहुत आसानी से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब गाइज, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एपर्चर सबसे लो कर लिया है, तो डिस्प्ले में फोटो भी ब्राइट आना शुरू हो चुकी है। तो इसके लिए दोस्तों, हमें अब यहाँ पर शटर स्पीड ज्यादा बढ़ानी होगी। शटर स्पीड बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ मेन डायल बटन स्क्रॉल करना है। तो शटर स्पीड यहाँ पे दोस्तों, मैं बढ़ा देता हूँ हमारे डे लाइट कंडीशन के हिसाब से। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर इमेज पूरी तरह से क्लियर दिखाई देने लगी है। अब गाइस, यहाँ पे सेटिंग पूरी तरह से हमने कर ली है, बट अब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा दूर रहना है, और दूर रहकर सब्जेक्ट के ऊपर पूरी तरह से जूम कर लेना है। तो दोस्तों, हमें सब्जेक्ट के पीछे का बैकग्राउंड ब्लर और ज्यादा देखने को मिलेगा। एक बार फिर से बोल देता हूँ गाइस, आपको सब्जेक्ट से जितने ज्यादा दूर हो उतने ज्यादा दूर रहना है, और पूरी तरह से जूम कर देना है सब्जेक्ट के ऊपर। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने जूम कर लिया है, आप देख सकते हो, और मैं यहाँ पे अब फोकस कर रहा हूँ सब्जेक्ट को, और मैंने यहाँ पर टाइमर भी सेट कर लिया है। दोस्तों, मैं टाइमर के मदद से इस फोटो को क्लिक करने वाला हूँ। अब आप देख सकते हो मैं यहाँ पे फोटो क्लिक करने वाला हूँ। अब आप दोस्तों स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो सब्जेक्ट के पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कितना ज्यादा हुआ है। तो गाइस, कुछ इस सेटिंग्स की मदद से आप परफेक्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्दी एक नई वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।